आप कितना भी सोच लेना लेकिन आप भी चीज़ याद रखिएगा ये दुनिया हमें जितनी भी मिल जाए जितनी भी मिल जाए लेकिन वो सुकून वो खुशहाली वो हमारी सोच के मुताबिक कभी भी हमें नहीं मिल सकती तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सब कुछ मई मर्जी का हो सेटिंग लोग कदर करने वाले मोहब्बत करने वाले हर चीज हमारी मर्जी की हो तो उसके लिए हमें एफर्ट करनी होगी तो वो दुनिया में है तो आज उसकी सैर करेंगे ना इनशाला हमें जाना तो है इनशाला इनशाला जन्न तवाजु न तो हमने जाना है तो उसके लिए हमें फिर पहले देखा था ना कैसे मनाजिर है हल्के फुलके एक जलक से देखेंगे تاكي شوق اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حقا وارزقنا वर्जुकनतीबा व अरिन باطلا وارزقنا اجتنابه बा आमीन या العالمين कल हमने सवाब कमाने के मौक़े पड़े थे तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा अजर मिलेगा तो किस सूरत पे हमें मिलेगा क्योंकि इंसान को जब पता होना है कि मेरा प्राइस यही है मैंने जैसे गोल्ड मेडल इसके जिस गोल्ड मेडल लेने का जिसको शौक हो वो दिन रात मेहनत करता है तो इसी तरह जिनको जन्नत की नियमतों का जन्नत के तस्करे का पता चल जाए शौक लग जाए जिसको वो बंदा दुनिया की कोई भी कुर्बानी देनी हो तैयार हो जाता है जिसको नशा लग जाए ठीक है तो जन्नत का शौक पाने की ख्वाहिश क्योंकि दुनिया में भी इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं शॉपिंग की ख्वाश लाइफ अच्छी लाइफ पार्टनर की खाश अच्छे घर की ख्वाहिश डेकोरेट अच्छा होना चाहिए कपड़े बहुत प्यारे हों हर चीज बड़ी प्लानिंग के साथ सेटल्ड हो कोई भी टेंशन ना जिंदगी में हो अमन सुकून होशहाली तो ये सब कुछ हमें दुनिया में तो मिलने वाला नहीं तो इतने ज्यादा नेकियां करने के तरीके अल्लाह ने बताए इसलिए बताए ताकि हमें इनाम में बेहतरीन घर अदा करें हम आज जन्नत और उसकी नेमतों के बारे में देखेंगे सबसे पहले जन्नत के दरवाजे क्योंकि तो उससे हम एंटर होंगे और एक और चीज याद रखिएगा कि जन्नत में सबसे पहले कौन एंटर होगा रसोलम सल्लम की हदीस है कि जन्नतियों में से सबसे पहले वो बंदा जिसको दुनिया में कम माल यानी जिसके पास हिसाब किताब करवाने के लिए कम चीज़ें होंगी गरीब इंसान अगर नेक हुआ जनती हुआ तो पहले गरीब एंटर होंगे फिर अमीर एंटर होंगे उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि गरीबों के पास सामान थोड़ा होगा और अमीरों के पास जो है सामान ज्यादा होगा इस वजह से गरीब जल्दी जल्दी अपना काउंटर पे जाएंगे हिसाब करवाएंगे और फौरन से जल्दी जन्नत में एंटर हो जाएंगे तो जो अमीर होंगे उनके हिसाब थोड़ा लंबा चौड़ा होगा तो जाएंगे वो भी जन्नत में अगर अच्छे काम उन्होंने किए होंगे लेकिन अः उनके हिसाब की लिस्ट ज्यादा होगी इसलिए वो थोड़ा लेट हो जाएंगे तो जन्नत इतनी प्यारी है उस दूर से ही लोगों को इतना उसमें जाने का शौक होगा कि सबकी ख्वाहिश होगी कि हम जल्दी जल्दी उसके अंदर एंट्राउंड जैसे आप कोई अः कोई भी चीज मिल रही हो चीज बांटी जा रही हो तो इंतजार नहीं होता दिल चाहता है फौरन फौरन से हम हमें ये मिले और हम जाके क्योंकि तो इंतजार बड़ी शदीद चीज है तो इसलिए हमें दुनिया के अंदर जितना हो सके कम अज कम अपनी कलेक्शन कम रखनी चाहिए कपड़ों में जूतों में घर के मामला में डेकोरेशन में जो चीजें रखने वाली होती हैं जमा करने वाली होती हैं वो कमस कम अज कम रखें ताकि हम जन्नत में जल्दी एंटर हो सके जन्नत के दरवाजे सोलह उम्र मेंल फरमाते हैं वसीदी तवर इलल जन्नति म कि जो लोग अपने रब से डरते हैं इनके ग्रोह के ग्रोह जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे यहाँ तक कि जब उसके पास आ जाएंगे तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे वहां किने के बान उनको बड़ा अच्छा वेलकम कहेंगे तुम पर सलाम हो तुम खुशहाल रहो तुम उसमें हमेशा के लिए चले जाओ आप अब तुम्हारी पक्की पक्की जन्नत हो जाएगी और जब जन्नत में दाखिल होंगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी उस जन्नत में उनके पेरेंट्स भी होंगे पिछले अब अगर नेक हुए उनकी बीवियां अगर नेक हुई और बीवियों के शोहर अगर नेक हुए तो वो भी जन्नत में उनको मिलेंगे अगर उनकी औलादे हुई वो भी जनती हुई तो वो भी वहां पे होंगी वो सब वहाँ चले जाएंगे फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे कहेंगे कि आप हजरात पर आपके सबर की बदौलत अल्लाह की सलामती हो आखरत का घर क्या ही अच्छा घर है फनी अमा अकबद्दा कितना अच्छा घर तुम्हें मिल गया है रसुल्ला फरमाते हैं कि जन्नत के आठ दरवाजे होंगे और उनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रियान भी होगा जिसे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे और जन्नत के दरवाजे इतने बड़े बड़े होंगे कि जन्नत के दो दरवाजों के दरम्यान में इतना फासला है कि जो चालीस साल में तय हो सकता है और एक दिन आएगा कि वो सब रश की वजह से पुर हो जाएंगे यानी इतने लोग जन्नत में जाएंगे क्या आप खुद सोचेंगे कि चालीस साल अगर किसी जगह पर आप सफर करें तो कितना ज्यादा रास्ता बनता है तो वो उस दो दरवाजों के दरमियान का रास्ता है जन्नत जन्नत में दाहिर कैसे होंगे सही बुखारी और मुस्लिम की खदीस है अबू खजी बयान करते हैं कि रसोलम ने फरमाया सबसे पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा इनकी शक्लें चौदवी रात के चांद की मानि होंगी फिर इनके बाद दाखिल होने वाले लोगों की सूरतें आसमान पर सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे की तरह होंगी यानी पहले टॉपर्स जाएंगे फिर उससे कम जिसके नंबर हैं फिर उससे कम जिसके नंबर हैं फिर उससे कम जैसे हम सिल्वर मेडल होता है गोल्ड मेडल होता है तो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनकी शक्लें चौदवी रात का चांद सबसे ज्यादा चमकदार चीज उसकी तरह की फिर उस बार जो ग्रो जाएगा वो जो चमकने वाले सितारे होते हैं ना उस तरह की उनकी जो है चेहरे अः होंगे और खुशी की बात ये कि इंसान को वहां पे जो बशरी तकाज़े होते हैं कज़ाए हाजत के लिए जाने की जरूरत ही नहीं होगी उनके जिस्म से निकलने वाले पसीने की खुशबू कस्तूरी जैसी होगी और उनकी अंगीठियों में और एक खुशबू है वो सुलग रहा होगा उनकी बीवियां मोटी मोटी आंखों वाली खुर होंगी उन सब के हाथ एक जैसे होंगे और सब के सब अपने बाप आदम सलाम की सूरत पे होंगे और उनका कद सात हाथ लंबा होगा साठ हाथ यानी जंतियों में कद कितना होगा सबके ऊंचे ऊंचे कद होंगे साठ हाथ यानी काफी लंबे लंबे का नौजवान लोग जो है जन्नत में दाखिल होंगे खूबसूरत उसके बाद जन्नत के सबसे निचले दर्जे वाला जंती कैसा होगा रसूल की एक हदीस है कि मूसम ने अल्ला से सवाल किया कि जन्नत में सबसे निचले दर्जे वाला जंती कैसा होगा तो अल्लाह ने जवाब दिया वो आदमी जो सबसे नीचे दर्जे वाला होगा उसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ वो कहेगा मैं मैं रब कैसे जाऊं जबकि तमाम लोगों ने अपने अपने घर संभाल लिए हैं सब ने अपना अपना इनाम ले लिया है उसे कहा जाएगा क्या तुझे ये पसंद है कि दुनिया के बादशाहों में से एक बादशाह की पूरी ममलिकत जैसी ममलिकत तुझे दे दी जाए यानी एक बादशाह जैसे कोई किसी भी मुल्क है उसकी पूरी सल्तनत तुम्हें दे दी जाए वो कहेगा अरे मैं राजी हूँ अल्लाह तला कहेंगे मैंने तुझे उस जैसी एक और उस जैसी एक और उस जैसी एक और उस जैसी एक और ममलिकत अता कर दी वो कहेगा गया रब मैं राजी हूँ फिर अल्लाह तला से कहेंगे ये भी तेरे लिए और मैं तुझे इस जैसी दस ममलिकतें और अता करता हूँ और तेरे लिए हर वो चीज है जिसकी तुम तू तु तमन्ना तु तु करेगा जिससे तेरी आंखों को लजत मिलेगी वो कहे रब मैं राजी हूँ मुसाला ने कहा मेरे रब ये तो सबसे निचले दर्जे वाला जो जंती है ना ये उसकी शान है तो जन्नत में सबसे जो ऊंचे दर्जे वाला जंती होगा वो कैसा होगा और फिर अल्लाह ने कहा ये सही मुस्लिम की हदीस है ठीक है ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने चुन लिया मैंने इनकी इज्जत अपने हाथ से गाड़ दी इन पर मोहर लगा दी इनके लिए वो कुछ तैयार किया जिससे ना किसी आंख ने देखा न किसी इसके बारे में किसी कान ने कुछ सुना ना किसी इंसान के दिल में इसका तस्वुर आ सकता है यानी जो सबसे ऊंचला दर्जा उसकी तो एग्जाम्पल दी नहीं जा सकती सबसे निचले दर्जे की इतनी मिसाल दी कि एक मुल्क का बादशाह ना तो उसको उस जैसे दस मुल्कों जैसे सल्तनत उसको मिल जाएंगी लेकिन कुछ लोगों को ऐसी ऐसी जन्नत इतनी बड़ी बड़ी वसी जन्नत मिलेगी कि किसी आंख तक ने उससे इमेजिन भी नहीं किया होगा इसीलिए तो 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 एक दूसरे से बढ़कर दौड़ो अपने रब की जानी बख्शिश के लिए उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है आसमान एक जमीन है ना तो आसमान में इस जमीन जैसी सैकड़ों करोड़ों इतनी आसमान की वस्तु है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते वो फैलती जा रही है किन लोगों के लिए मुतकीन के लिए और अब्दुल्ला बिन मासूद रसी अल्लाह रवायत करते हैं कि रसूल ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स वो होगा जिस हालत में आएगा कभी चलेगा कभी गिरेगा कभी आग से, से थपड़े मारेगी और जब वो आग को बुर करके आ जाएगा तो पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा बाबरकत है वो जात जिसने मुझे आग को वो कहेगा तुझसे निजात दी लेकिन अल्लाह ने मुझे वो चीज अता कर दी जो उसने ना पहलुओं को दी ना पिछलों को किसी को अतागी फिर एक दरख्त उसके सामने बुलंद किया जाएगा वो कहे मेरे मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साय में चला जाऊं और इसके करीब बहते हुए पानी से अपनी प्यास बजा सकूं अल्लाह ताला से कहेंगे आदम अगर तुझे ये मिल गया तो कोई और सवाल तो नहीं करेगा क्या कहे गहरा पक्का अब नहीं कोई भी सवाल नहीं करूंगा बस मुझे ये दरख्त दे दे उसको ला मजूर समझते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे उसको दरख्त दिया जाएगा अब क्या होगा आगे उसके सामने एक और दरख्त बुलंद हो जाएगा जो पहले दरख्त से ज्यादा अच्छा होगा उसके दिल में फिर ख़्वाहिश आएगी फिर अल्लाह को कहेगा ये दे दे फिर नहीं कुछ भी मांगूंगा अल्लाह उसको वो भी अता कर देंगे फिर उसको एक और दरख्त नजर आएगा जन्नत के दरवाजे के करीब वो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा अच्छा होगा वो कहेगा अल्लाह मुझे ये भी दे दे मैं अब नहीं तुझसे तो कुछ मांगूंगा अल्लाह कह गए अबनी आदम क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था तो कोई और सवाल नहीं करेगा कहेगा क्यों नहीं बस ये सवाल पूरा कर दे इसके बाद और कोई सवाल नहीं अल्लाह उस बंदे को फिर वो अता कर देंगे फिर क्या होगा कि उस तरह के करीब उसे कर दिया जाएगा जब उसके करीब पहुंचेगा तो अहले जन्नत की आवाजें सुनेगा वो कहेगा मेरे रब मुझे इसमें दाखिल कर दे अल्लाह कहेगा कौन सी चीज तुझे राजी कर सकती तो तू बार बार मांगता चला जा रहा है कौन सी चीज ऐसी है कि जो तेरे और मेरे सवालों को खत्म कर सकती है क्या तू इस बात पर राजी हो सकता है कि मैं तुझे दुनिया और इस जैसी एक और दुनिया दे दू ये वो बंदा है जो सबसे आखिर में आएगा जन्नत में और कभी आ के थपड़े खाएगा कभी लड़केगा कभी गिरेगा कभी उठेगा गुनागार बंदा लेकिन कोई इसके कुछ अमल ऐसे होंगे उसको जन्नत में ले जाएंगे वो कह गया मेरे रब आप मजाक कर रहे हैं इन्हें अल्लाह उसे कहेंगे कि मैं तुझे दुनिया और दुनिया जैसी एक और इतनी जन्नत दे दूंगा फिर तू राजी हो जाएगा ना फिर तू ना मुझे कुछ मांगेगा वो मजाक कर रहे हैं बयान करने वाले अपने मसूद ये बयान करते करते हंस पड़े और कहने लगे मुझसे पूछो मैं क्यों हंसाऊँ लोगों ने पूछा कहने कहते हैं कि रसुल्ला ने जब हमें ये बयान किया था ना अल्लाह के नबीम भी ऐसे हंसे थे हमने पूछा अल्लाह के रसुल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं तो कहने लगे ये जब अल्लाह सुबह तला बंदे से इस तरह गुफ्तु कर रहा होगा ना तो अल्लाह भी इस तरह मुस्कुराएंगे और फिर उस बंदे को वो अता कर दी जाएगी ये वो बंदा है जिसके लिए जिस सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह सुबहान तला से हमें क्या ऐसी जन्नत नहीं मांगनी चाहिए कि जिसमें इंसान की ख्वाहिश पूरी होगी हम्म तो उसके लिए क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम दुनिया की ख्वाशत तो खत्म नहीं कर सकते इतनी बड़ी जगह हासिल करने के लिए और फिर क्या होगा उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारे लिए वो सब कुछ है और इससे दस गुना ज्यादा और भी है फिर वो अपने घर में दाखिल हो जाएगा जहाँ मोटी आंखों वाली कोरिस दो बीविया इसका इस्ते करते हुए कहेंगी तमाम तरीफें उस अल्लाह के लिए जिसने आपको हमारे लिए और हमें आपके लिए जिंदा रखा और फिर वो कहेगा जो नीमते मुझे दी गई हैं वो किसी को नहीं दी गई हालांकि वो सबसे लास्ट पे आने वाला बंदा उसको लगेगा किसी को आज तक ये मिला ही नहीं उसको लगेगा जन्नत में सबसे खुश किस्मत मैं ही हूँ इसीलिए तो लोग एक दूसरे से जेलिस नहीं होंगे क्योंकि सबको इतना, इतना इतना अता होगा कि लोग जो है समझेंगे कि उसको नहीं इतना मिला मुझे ज्यादा मिला सब अपने दिए हुए पे राजी हो जाएंगे अल्लाह बंदों को राजी कर देगा और आज अगर हम अल्लाह को राजी करते हैं तो अल्लाह क्यामत के दिन हमें राजी कर देंगे इनशाला और जन्नत में जो खादिम होंगे जो लड़के काम करने वाले होंगे हदीस में आता है कि अहले जन्नत में सबसे निचले दर्जे वाला जो जंती होगा ना उसे एक हजार नौकर फ्राहम किए जाएंगे हर नौकर के ज़िम्मे वो काम होगा जो और किसी के ज़िम्मे नहीं यानी उस बंदे कितने काम होंगे कोई उसके लिए खाना लाए कोई उसके लिए यानी मुख्तु कितने का काम होते हैं लेकिन इतने ज्यादा उसके नौकर होंगे हर नौकर कोई काम करेगा और फिर आसलम ने ये आए पढ़ी इदार इन पर लड़के दौड़ते फिरेंगे वो हमेशा लड़के रहेंगे बड़े प्यारे प्यारे से और अल्लाह सुबह फरमाते हैं तो इन्हें देखोगे ना तो समझो कि बिखरे हुए मोती है जैसे मोती बिखरी हो तो प्यारे से लगते हैं ऐसे ही वो जन्नत के जो खादिम होंगे आज जो नौकर होंगे वो इतने प्यारे होंगे अल्लाह हम सबको इतनी खूबसूरत जन्नत अदा कर दे कोई चाय लाएगा जी जो जो आपको चाहिए होगा उसके बाद अहले जन्नत के जो दर्जात होंगे औरतों का भी जिक्र आ जाता है आप टेंशन ना लें जन्नत की सबसे खूबसूरत चीज होगी औरत जब भी जन्नत की बात हुई है ना तो मर्दों के जन औरत जो है वो मर्द के लिए एक सुकून है तो औरत दुनिया की औरत इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि अभी हम पढ़ते हैं ना फिर आप देखेंगे कि उसको क्या मुकाम मिलेगा पहले जन्नत के दर्जात जो हैं वो मुहतलिफ होंगे किसी का बुलंद होगा किसी का उससे कम होगा तो जन्नत की जो ऐंटे होंगी वो सोने की होंगी चांदी की होंगी और उनका जो प्लास्टर होगा जिसके साथ उनको जोड़ा होगा वो कस्तूरी होगा और उसके संग कीमती मोती और जौहर हैं और उसकी जो मिट्टी होगी वो ज़ाफरान की है जो सब जन्नत में दाखिल होगा वो खुश रहेगा कभी उसे को दुख नहीं पहुंचेगा वो हमेशा उसमें रहेगा उस पर मौत नहीं आएगी उसका लिबास कभी भी पुराना नहीं होगा उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी कभी भी उसकी जवानी खत्म नहीं होगी जन्नत के घर इतने प्यारे होंगे कि बाहर वाला भी अंदर के सारा मंजर देखेगा और अंदर वाले भी बाहर का सारा मंजर देख सकेंगे और फरमाया कि अल्लाह तला ने यह उसके लिए तैयार की है जो लोगों को खाना खिलाता है बात नर्मी से करता है मुसलसल रोजे रखता है रात को उस वक्त नमाज पढ़ता जब लोग सोए होते हैं ये घर इतने खूबसूरत इन लोगों को अता किए जाएंगे जन्नत के खैमे अल्लाह सुबह तला फरमाते हैं खुरु मकसूरत फिलकियाम खुरें जो खैमों में इकामत पजीर होंगी अबाशरी बयान करते हैं सही मुस्लिम की हदीस है कि बेशक मोमिन के लिए जन्नत में खैमा होगा जो अंदर से तराशे हुए मोतियों से बना होगा और उसकी लंबाई एक खेमे की लंबाई साठ मील होगी और आप इसको जरा साठ मील को किलोमीटर में करें तो नाइंटी सिक्स किलोमीटर बनते हैं और अगर इंसान अगर इंसान नाइंटी स्पीड पर नब्बे की स्पीड पर एक घंटा गाड़ी चलाए तो मेरा ख्याल है पचपन मील का सफर तय होता है तो ये तकरीबन तो लगाए कि अगर सालकोट से आप जहलम से आगे भी जाए ना तो उतना सफर बनता है एक खैमे का साठ मील इतना बड़ा खैमा होगा और उसमें मोमिन की बीवियां होंगी उसके पास बारी बारी आएंगी और वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगी बारी बारी उस बंदे के पास आएंगी तो एक दूसरे से जालस भी नहीं होंगी एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगी और आ, आ, बहुत खूबसूरत होंगी फिर जन्नत का एक बाजार भी होगा जन्नत में एक बाजार होगा जहाँ जन्नती हर हफ्ते आएंगे शमाल की तरफ जानब से एक हवा चलेगी ये भी सही मुस्लिम की हदीस है जो उनके कपड़ों और चेहरे पर मिट्टी डाल लगी जन्नत की मिट्टी ना कस्तूरी की होगी और इस मिट्टी से उनके हुसन और जमाल में और इजाफा हो जाएगा वो अपनी बीवियों के पास लौटेंगे जब अपनी बीवी बीवी को ज्यादातर पता क्या चाहिए होता है औरत को औरत को आप सबोड़ते हैं माशाला से औरत को पता क्या चाहिए होता है खिलास लाइफ पार्टनर अच्छा लाइफ पार्टनर जो उसकी तारीफ करे जो उसके साथ बैठ के बातें करे इंजॉय करे ठीक है औरतों की खुशी और शॉपिंग की खुशी ये औरतों की है तो जनती जो मर्द होंगे ना वो अपनी बीवियों की बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे घर दुनिया में आपके हस्बैंड साहब की तारीफ नहीं करते और थोड़ी सी कंजूसी करते हैं इजहार नहीं कर पाते और ये औरतों की बहुत बड़ी शिकायत है कि जी हामद इजहार नहीं करता और उससे जल्दी कुर्ती भी रहती है तो जलना कुड़ना नहीं आप ना ये सोचे करें कि कोई नहीं ना करे जन्नत में जाकर अगर यही हामद मुझे मिला ना तो फिर देखना ये मेरी किस तरह तारीफ करेगा जब वो वापस आएगा ना बाजार से तो आकर अपनी बीवी हाँ, को कहेगा कि तुम्हारे हुस्न और जमाल में तो इजाफा ही हो गया और बीविया उनसे कहेंगे अल्लाह की कसम आप यहाँ से जाने के बाद और हसीन और जमील हो गए तो वो कहेंगे तुम भी अल्लाह की कसम हमारे जाने के बाद और खूबसूरत हो गई हो यानी खूब खूब खुँ इजहार मिलेगा आपको इसकी परेशान होने की जरूरत नहीं दुनिया में नहीं इजहार मिल रहा तो आखिरत में इजहार बहुत ज्यादा मिलेगा इन अल्लाह हम सबको जन्नत अता करे इसके बाद जन्नत की जो नहरी हैं अलकोसर जन्नत में एक नहर है जिसके किनारे सोने के हैं और इसके बहने के रास्ते मोतियों और याकूत के होंगे इसकी मिट्टी कस्तूरी से ज्यादा अच्छी होगी इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और बरस से ज्यादा सफेद होगा जन्नत के दरख्त इतने बड़े बड़े होंगे कि जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साये में एक सवार सौ साल तक चलता तो उसे तय नहीं कर सकता विल ममदूत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी दे आती था वो मसले पूछते थे कहने लगे अल्लाह के, के रसूल अल्लाह ताला ने जन्नत के एक दरत का जिक्र किया जो तकलीफ पहुंचाता है हालांकि मैं तो समझता हूँ जन्नत में कोई ऐसा हो होगा ही नहीं जो तकलीफ पुन चाहे रसोल्लाम ने पूछा वो कौन सा दरख्त है उसने कहा बेरी का दृत तो जिसके कांटे तकलीफ दे होते हैं रसोल ने फरमाया क्या ने यह नहीं दुरी कि वो कांटे वाली बेरियों के दरख्तों में होंगे और अल्लाह हर कांटे की जगह एक फल उगाएंगे और हर फल से बहत्तर किस्म के खाने तैयार होंगे और उनमें से हर खाना दूसरे से मुख्तलिफ होगा इमेजिन करें नहीं इतनी ये जन्नत की कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बताई जा रही हैं और ये बताई जा रही हैं तो लगता ही नहीं है कि ये सच है यानी हम जब ईमान तो भी गब ना हो तो यकीन ना जब हमें जब इंजॉय करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा कि अभी सिर्फ पढ़ने में सुनने में ऐसा लगता है जैसे है, इस दुनिया से हम बाहर चले गए हैं इंसान इमेजिनेशन में इतना खुश होता है तो इंजॉय करने में इसके लिए क्या होगी इतनी ज्यादा आसाइशें और अहले जन्नत का खाना पीना कैसे होगा कि वो ना थूकेंगे ना बोलो बरास करेंगे बलगम से पाक होंगे सहाबा कि राम ने अर्ज किया ला कि नबी उनका खाना कहाँ जाएगा या वो कज़ाय हाजत नहीं करेंगे तो कल सल्लम ने कहा कि उनका खाना एक डकार होगा महज एक डकार होगा और पसीना होगा जिससे कस्तूरी की खुशबू आएगी और इन्हें तस्बी और तमहीद का किया जाएगा जैसे सांस का किया जाता है वैसे तो वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ेगा और पसीना भी नहीं आएगा जो बदबू वाला होता है यानी खुशबू कस्तूरी की खुशबू और परफ्यूम्स इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ेगी वैसे ही खुशबू आएगी जंतियों के पास और जंती एक जब उनका कुछ पीने को दिल करेगा ना तो जग खुद बहुद उनके पास उनके हाथ में आ जाएगा जब वो पी लेंगे तो वह खुद बहुत अपनी जगह पर वापस चला जाएगा और जो दरख्त है जन जन्नत की जब कुछ खाने को दिल करेगा होशा फल का खुद उनके पास आ जाएगा और वह खुद बहुत उनकी ख्वाजत पूरी करेगा परिंदे ऐसे होंगे कि एक आदमी जन्नत के परिंदों में से किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा तो वो खुद टुकड़े होकर बुना हो उसके सामने आ जाएगा इस तरह की आशाइशें दुनिया में कितने भी पैसे लगा लें मिल सकती हैं मिल सकती है कि नहीं कभी भी नहीं मिल सकती कोई भी हमें साइश मिल भी रही हो ना इर्द गिर्द के लोग टॉन्ट करके हर्ट करके परेशान करके हमारा सारा मजे खराब कर देते हैं आप किसी जगह पे पार्क में गए इंजॉय हैं किसी भी जगह पे बड़ा खूबसूरत सा के सारे रहने वाले लोग हैं कभी किसी बात पर कभी किसी बात के मुफ्ती फिश कॉल आ गई कोई टेंशन आपको पड़ गई पीछे बीमारी हो गई या फोत हो गया एक्सीडेंट हो गया या आपने चाहा कि आप हाथों में हार ढाल घूमने ख्वाहिशात हाँ हो जाती है इस तरह की औरतों की भी कभी कभी मर्दों की भी होती हैं दूसरों की सोच मैच नहीं होती जिसकी वजह से इंसान डिसहार्ट हो जाता है कोई बात नहीं जन्नत में कोई डिसहार्ट नहीं करेगा कोई परेशान नहीं करेगा जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे उड़ना चाहेंगे घूमना चाहेंगे सैर करना चाहेंगे बाजार में जाना चाहेंगे कोई नहीं रोकेगा। और जनती औरतें इतनी प्यारी होंगी कि इतनी खूबसूरत उन्होंने जेवरात पहने होंगे सोने के जेवरात पहनाए जाएंगे और बारीक और रेशम के हरे कपड़े पहनेंगे और आराम दी कुर्सियों पर टेक लगाए होंगे और आराम सुकून के साथ रोज वहां पे जिंदगी बसर करेंगे और ये भी फिर कहा जाता है कि अहले जन्नत की जो औरतें होंगी ना सोया में इन्ना शना शना हमने उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया और हमने उन्हें कुंवरियां बना दिया मोहब्बत वाली और हम उम्र हैं दाएं हाथ वालों के लिए यानी जो जंगियों की बीवियां होंगी ना वो कुंवारी रहेंगी यानी अगर उनके हस्बैंड उनसे अपनी ख्वाश पूरी भी करेंगे फिर भी वो कवारियां होंगी यानी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी हर दफा वो एक जवान और क्वारी औरत बन के अपने हामद के पास आएंगी जवानी के साथ लौटेंगी और अहले जन्नत की एक औरत अहले ज़मीन पर अगर जांक ले तो जमीन और आसमान के दरमियान पूरे खलाक व रोशन और खुशबू से देगी और उसके सर का दुबट्टा पूरी दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है एक हदीस में आता है कि अहले जन्नत में हर रे के लिए मोटी आंखों वाली कूड़ों से दो बीवियां होंगी हर बीवी पर सत्तर जेवरात होंगे उसकी पिंडलियों का गोदा उसके गोश्त और जेवरात के पीछे से नजर आ रहा होगा बिल्कुल ऐसे जैसे सुर्ख रंग का मशरूब सफेद शीशे में नजर आता है सफेद बॉर्डर लें उसके अंदर कोई सुर्ख कलर का कोई मशरूब हो कितना खूबसूरत लगता है जैसे जामे शीरी को इमेजिन कर लें तो उसका गोदा उसकी जिसम से इस तरह से नजर आ रहा होगा ये हैं ना तो जनती औरत इनसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी बल्कि वो हूरों की सरदार होगी ठीक है और अगर कुछ लड़कियां ये सवाल करती हैं कि आ, अगर एक लड़की है उसका हामद पोत हो जाता है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेती है अगर वो दो तीन हामद उसके दुनिया में थे तो जन्नत में वो किस हामद के साथ रहेगी तो ये इसके बारे में हदीस में आता है कि वो जिसके साथ चाहेगी रहना वो रह लेगी और वो उन सब में से उसको चूज करेगी जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा इसलिए अगर मर्दों को किसी भी बीवी के साथ रहना हो तो उनको अपना अखलाक बेहतर करना चाहिए अगर जिसके हामन ज़्यादा होंगे अगर इसका हामद एक ही है तो फिर अगर उसका हामन जन्नत में जाएगा तो फिर वो उसकी बीवी होगी और अहले जन्नत की शहवत और उनके उनकी, उनकी ख्वाहिशात के बारे में यासीन में भी आता है कि जनती लोग आज के दिन अपने मशगलों में हशाश बशाश होंगी उनकी बीवियां सायों में मसहरियों में तकिए लगाए बैठी होंगी उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे उसी तरह जो कुछ वो तलब करेंगी और आराम से तकिए लगी होंगे दरख्तों के साय के नीचे बैठ कर वो अपने हामद के साथ बड़े मज़े और इंजॉय करेंगी और एक ये भी कहा जाता है कि एक जनती को खाने पीने शहावत और जिमा के लिए सो अफराद की ताकत देनी चाहिए इसलिए तो इतनी ज्यादा हो रही होंगी और फिर हर किस हर एक के घर में जाएगा और हर एक उसके सामने पेश की जाएगी और जन्नत में घोड़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर तुम तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल किया तो अगर तुम चाहोगे तो सुर्ख खीरों वाले घोड़ों पर तुम्हें सवार किया जाएगा और जन्नत में तुम्हें लेकर जहां तुम चाहो उड़े तो ऐसा जरूर होगा अगर चाहा तो होगी ना कि मैं उड़ जाऊं उड़ के कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं किसी लोग कई ऐसे लोग होते हैं आप में से भी बड़ी लोगों की फिजा में उड़ने की तो जन्नत में घोड़ों पे सवार होकर उड़ने का भी की सहूलत भी होगी हम्म और और भी बड़ी बातें हैं जन्नत के बारे में जो हम कर सकते हैं आप खुद भी पढ़िए पढ़िएगा इसके बारे में इनशाला इतनी काफी नहीं है इतना कुछ आ, हमने जानने जान लिया है लेकिन सबसे खूबसूरत नेमत जो जन्तियों के लिए होगी ना जब सब कुछ मिल जाएगा तो अल्लाह तला तो कहेंगे जयंतियों तुम्हारे लिए एक और नेमत है वो कहेंगे अल्लाह क्या है सब कुछ तो हमें मिल गया क्या अब कुछ अभी भी बाकी है तो रबुल क्या करेंगे एक वादा अभी है जो तुमसे पूरा करना है अचानक पर्दा हटाया जाएगा वो अल्लाह की तरफ देखेंगे अल्लाह की कसम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी होगी जो उन्हें उसके दीदार से ज्यादा महबूब हो जिससे उनकी आंखें ठंडक ठंडक उनको पहुंचेगी और जन्तियों को जन्नत में सबसे बड़ी जो नेमत है वो यही दी जाएगी कि उनको अल्लाह का दीदार नसीब हो जाएगा हम सब को अपना दीदार नसीब करे करवाए अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे अल्लाह हम सबको जन्नतों में खूबसूरत जगह अता करे अल्लाह मैनकल जन्नता वाहुबी का मिनन्नार्लाइन जन्नता वाह